लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिला मिला नहीं नहीं मिला कि नहीं, सर खुजाने से नहीं मिलता, दिमाग खुजाना पड़ता है। अब तक तुम सात पहेलियां पूछ चुके हो, मुझे जवाब एक का भी नहीं आया। चुपचाप यान का इंतजार करो। नहीं एक 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 और। एक भी पहेली नहीं, एक भी पहेली नहीं, एक भी पहेली नहीं, एक पहेली और। एक हमारे दादाजी ने हमें सुनाया था। हाँ हाँ सुनिए, बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन, बाप बेटे दो रोटी पकाए तीन, अब बराबर बराबर खाना है, ना तोड़ना है ना फेंकना है, अब बताओ बराबर बराबर कैसे खाएंगे बताओ। पहली का जवाब तो, अरे जवाब तो दीजिए, अरे पहली का जवाब तो नहीं दिया आप लोग, कहते चलो ओ हो, तो ये है आप लोगों का अंतरिक्ष यान। अच्छा तो जितने लोगों का अपहरण हुआ है सभी यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, सचमुच बहुत गहरा षड्यंत्र लगता है। चलो चलो, तुम लोग बताते क्यों नहीं, तुम लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? अभी पता चल जाएगा, हमारे सर आते ही होंगे। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा। कहाँ है जयंत देसाई? ये रहा देसाई। अच्छा तो इस सारे अपहरण कांड के पीछे तुम्हारा हाथ है जयकाल, तुम्हें हमारी ये दूसरी मुलाकात हमेशा याद रहेगी। देसाई तुम इस वक्त द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल की यान में हो। डॉक्टर देसाई जानते हैं इस बात को, आपके मुस्टंडे नीचे हमें सब बता चुके हैं। अब आप ये बताइए ना कि यान की सैर कब करवाएंगे, हमें जल्दी पृथ्वी लोक जाना है, आज की आवाज की रिपोर्ट तो तैयार करनी है। अब तुम लोग पृथ्वी को हमेशा के लिए भूल जाओ, आज मेरा ये यान तुम लोगों को ब्राइटा के ग्रह लिविंग प्लैनेट पर बसाने ले जा रहा है। क्यों? अभी समझ जाओगे। पृथ्वी के वासियों, मैं हूं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकॉल। दुनिया भर के टीवी या रेडियो पर आप लोग सिर्फ मेरा चेहरा देखेंगे या मेरी आवाज सुनेंगे। मैंने पृथ्वी के ऊपर आयनोस्फीयर पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया है, इसीलिए पृथ्वी के हर महादेश में, हर छोटे या बड़े शहर में, चाहे वो पेरिस हो या न्यूयॉर्क या सिंगापुर या न्यू दिल्ली या मुंबई जैसा कोई भी शहर या अफ्रीका का कोई भी छोटा सा कस्बा हो, हर जगह, हर घर में, हर रेडियो में, हर टीवी के हर चैनल पर तुम मुझे देख रहे होगे, सुन रहे होगे, क्योंकि दुनिया के हर कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेरी आवाज का प्रसारण कर रहे हैं। चैनल बदलने की कोशिश करना बेकार है, मेरी इस आवाज को
मेरा ट्रांसलेटर सैटेलाइट दुनिया की हर भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। इसीलिए मुझे यकीन है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मेरी बात गौर से सुन लो। मैंने एक खतरनाक धूमकेतु विनाशक का रुख पृथ्वी की ओर मोड़ दिया है। अब से पहले ये ब्राइटा नाम के सौर मंडल के लोबाना ग्रह की ओर बढ़ रहा था। अब से ठीक 7 घंटे के बाद ये विनाशक पृथ्वी से टकराकर उसका नामोनिशान मिटा देगा। फिलहाल मेरे विनाशक को आप नहीं देख सकते क्योंकि मेरा विनाशक इस वक्त अंतरिक्ष में है। बहुत जल्द बृहस्पति ग्रह को पार करता हुआ 7वें घंटे के अंदर विनाशक पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब शक्तिमान, मुझे मालूम है तुम जहां कहीं भी हो मेरी आवाज जरूर सुन रहे होगे। अब देख भी लो। ये रही तुम्हारी पृथ्वी। ये रहा मेरा कॉमेट विनाशक। 6 घंटे के बाद विनाशक पृथ्वी से इतनी दूरी पर रहेगा और 7वें घंटे में तुम्हारी पृथ्वी का अंजाम ये होगा। शक्तिमान, विनाशक से पृथ्वी को मेरे सिवाय कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो शक्तिपुंज जल्द से जल्द मुझे सौंप दो। अब इसे चकमा देकर मुझे यहां से जल्द किसी भी हालत में निकल जाना चाहिए। तुम्हारे इरादे इतने खतरनाक हो सकते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। तुम हमें पृथ्वी पर भेज दो, अगर मरना ही है तो हम सबके साथ मरेंगे। किसने कहा कि तुम लोग मरोगे? नहीं, तुम लोग मरोगे नहीं, तुम लोग मेरे गुलाम बनकर रहोगे। कुछ देर बाद ये यान इतनी ऊंचाई पर होगा कि तुम लोगों का सर चकराने लगेगा। मेरे गार्ड्स ने तो सुरक्षा कवच पहन रखा है, इसीलिए ऊंचाई का उन पर कोई असर नहीं होने वाला, मगर तुम लोग धीरे धीरे बेहोश होते चले जाओगे। फिर दूसरे ग्रह पर मैं ही तुम लोगों को होश में लाऊंगा, लेकिन इस तरह के तुम्हारा दिमाग मेरे इशारे पर काम करे। नहीं शक्तिमान, तुम्हें तुम्हारे शैतानी इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। वो विनाशक को खत्म करेगा और हमें तुम्हारे चंगुल से बचा कर ले जाएगा। लड़के, विनाशक ऐसी सीमा में प्रवेश कर चुका है कि अब तो मैं भी उसे नहीं रोक सकता। शक्तिमान उसे कैसे रोक पाएगा? पर अभी तो आपने कहा था बंधु कि शक्तिमान अगर आपको शक्ति पुंज दे देगा तो आप विनाशक का रास्ता बदल देंगे। ये तो शक्ति पुंज को हासिल करने की मेरी एक चाल है। What is this? ये पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री की चाल है। What? तुम ही वो गंगाधर हो जिसकी बेवकूफी से अजीत चावला पकड़ा गया? जी हाँ। अरे इस बेवकूफ को यहाँ कौन लाया? जाहिर है कि कोई समझदार व्यक्ति तो नहीं लेकर आया होगा। सर, खंडहर में ये बेवकूफ पहले बुझा बुझा कर हमारा सिर खाता रहा है।
पहेली? आपको हम समझदार समझते थे, इसीलिए आपको पहेली बुझाने को कह रहे थे। देखा, हमने आपके बॉस को पहेली पूछी, क्योंकि हमें पता है कि वो पहेली नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए पूछते ही नहीं। हो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारी पहेली नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारी पहेली केवल शक्तिमान भैया पूछ सकते हैं। नो शट अप, हम तुम्हारे शक्तिमान से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं। पूछो पूछो, क्या है तुम्हारी पहेली? पूछे? हाँ हाँ पूछो, पूछ डाली, पूछो। तो सुनिए, दो सुंदर लड़के, दोनों एक ही रंग के। दो सुंदर लड़के, दोनों एक ही रंग के। हाँ, एक अगर बिछुड़ जाए तो दूजा काम ना आए। एक अगर बिछुड़ जाए तो दूजा काम ना आए। तो दूजा काम ना आए। देवी जी, आपको क्या हो रहा है? सिर चकरा रहा है गंगाधर। आप चिंतित मत हो ये देवी जी, इन माशे ने कहा था ना, जैसे जैसे यान ऊपर जाएगा वैसे चक्कर आएंगे। तो हाँ, पहेली का उत्तर मिल गया। मिल गया तो बताइए बताइए। पहेली का उत्तर है आईज, दो आंखें। गलत गलत। अगर ये उत्तर आंखों का सही है तो हमारी पहेली की अंतिम पंक्ति पर जरा गौर किया जाए। अगर एक बिछुड़ जाए तो दूजा काम ना आए। अगर हम आपकी एक आंख फोड़ दें तो दूजी आंख क्या काम नहीं आएगी? आ तो रही है, देखो देखो। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। एक बिछड़ता है और उसमें एक काम में अगर तू तुम मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? ऐसा क्यों नहीं कहते कि उत्तर नहीं मिल रहा? देखो, मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है, मुझे यान में जाना है। शक्तिमान शक्तिपुंज लेकर आता ही होगा। सुनाओ, तुम अपने इस पहेली का उत्तर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे वाह, क्या बहादुर की स्टाइल से बोल रहे हो। आपकी बहादुरी पर हमें एक बहादुर पर पहेली याद आ गई। एक बहादुर ऐसा वीर, गाना गाकर मारे तीर टिचू। एक बहादुर ऐसा वीर, गाना, कौन है वो, कौन है वो? अरे भाई, ये तो बंधु आपको बताना है। देखा देखा गार्ड, हमने कहा था ना इनको आंतर वांतर कुछ नहीं आता, ये गार्ड, इससे इसकी पहेली का उत्तर पूछो। पहेली का उत्तर दो वरना। व्हाट इज दिस, यू फूल, मुझे जूता दिखाते हो तुम? जूता नहीं दिखा रहे, जूता नहीं दिखा रहे, तो? ये हम आपको पहेली का उत्तर दिखा रहे हैं। पहेली का उत्तर है ये? कोई बहादुर है क्या? पहेली वाली पहेली का उत्तर दिखा रहे हैं, पहेली वाली पहेली का उत्तर। अब देखिए, दो सुंदर लड़के, दोनों एक ही रंग के, है ना, एक ही रंग के है ना। इसमें से एक अगर बिछुड़ जाए तो दूजा काम नहीं आए। अब देखिए, आप एक जूते को कभी पहनेंगे? पहनेंगे आप? बोलिए बोलिए, पहनेंगे? ओके, समझ गया मैं, तुम सही कहते हो, मैंने ज्यादा सोचा नहीं, वरना मैं भी इसका आंसर दे सकता था। तो ठीक है, आप भी सोच लीजिए, दूसरी पहेली का उत्तर भी बाकी है। ओहो, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, तुम गार्ड्स। अरे गार्ड्स को क्या पूछ रहे हो, उनको तो मालूम ही नहीं इसका जवाब का उत्तर। गार्ड्स इस आदमी को ले जाओ, इसको दूर करो मेरी नजरों से, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए। हम बताएंगे इसे आपको उत्तर, यहां से बाहर ले जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, गंगाधर को छोड़ दीजिए प्लीज। अरे आइए आइए, अरे दूर करो इसे, जाओ मेरी नजरों से, दूर करो, फेंको इसे। प्लीज गंगाधर को छोड़ दीजिए। अरे पहने तो तुम्हें, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, अरे अब मैं अपने यान में जाता हूं, शक्तिमान शक्तिपुंज लेकर आता ही होगा। पावर।